आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। छत्तीसगढ़ के पघानजूर सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 12 लाख रुपए इनामी नक्सली राम सिंह उर्फ सीताराम बक्का अथराम और माधुरी उर्फ भूरी उर्फ सुमन राजू मट्टागी ने आत्मसमर्पण पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के सामने किया। राम सिंह उर्फ सीताराम बक्का आतराम महामार्च 2005 में अहेरी दलम सदस्य पद पर भर्ती हुआ, वहीं माधुरी नवंबर 2002 में दलम में शामिल हुई थी। गढ़चिरौली जिला पुलिस बल के द्वारा प्रभावी नक्सली विरोधी अभियान चलाने और सरकार ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण का सुनहरा मौका उपलब्ध करा दिया। सम्मानपूर्वक जीवन बिताने के लिए साल 2019-2022 में अब तक कुल 49 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। विकास कार्य में बाधा पहुंचाने वाले नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुलिस विभाग सक्षम है। हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए, लोकतंत्र में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इच्छुक नक्सलियों को गढ़चिरौली पुलिस बल पूरी ताकत के साथ सहयोग करेगा। इसलिए राह भटके हुए नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली अंकित गोयल इन्होंने आह्वान किया। पघानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।